जय श्री राधे। जैसा कि हम जानते हैं कि सड़क दुर्घटना बहुत बड़ा कारण है गौ माता और साथ ही साथ जो लावारिस पशु हैं जो सड़कों पर घूमते हैं उनके लिए बहुत ही एक हानिकारक विषय। आज ही एक गाय हमारे पास है, इनका जो एक पैर है सड़क दुर्घटना में पूरा टूट चुका है और मुझे लगता है कि अगर आपको जख्म जो है गौ माता का वो अगर दिखाया जाएगा तो आप उसे देख नहीं पाएंगे क्योंकि लगातार उससे खून की मैं कह सकती हूँ धारा बह रही है। जो इसके पास खड़ा होके इनके दर्द को महसूस कर सकता है, शरीर में कंपन है, शरीर भी कांप रहा है। मुझे नहीं पता पर घाव को देख के लगता है कि बहुत दिनों से यानी कई दिनों से शायद ये गौ माता का घाव है और उससे लगातार रक्त बह रहा है। तो हम प्रयास यही करेंगे कि इसमें थोड़ा दवाई लगा करके कुछ औषधि लगा करके इसको ठीक किया जाए, पर जिस तरह गौ माता के इस पैर की हालत है इस पैर को जहाँ तक है काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और जब गौ माता का पैर एक निकल जाएगा तब धीरे धीरे ये गौ माता तीन पैर पर चलना आरंभ कर देगी। पर ये दृश्य आखिर होता क्यों है? ये दर्द जो गौ माता आज महसूस कर रही है इस दर्द को देने वाला कौन? शायद ये गौ माता किसी के घर में बंधी होती, सड़क पर नहीं होती तो ना तो सड़क दुर्घटना होती और जिस दुख से आज ये गौ माता पीड़ित है वो दर्द वो दुख भी शायद इस गौ माता को नहीं होता। तो मेरी विनती है आप लोगों से कि अपने घरों में जिस तरह आप पेट्स रखते हैं उनसे प्रेम करते हैं ठीक उसी प्रकार गौ माता से भी प्रेम करें और गौ माता को घर पर रखेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। दूसरी बात, हमारा दायित्व बनता है कि कोई भी गाय क्षतिग्रस्त मिलती है जिसके शरीर से जिसके अंग से रक्त की धार बह रही हो आप उसका फर्स्ट एड करें। कम से कम आज के समय में हर शहर में इतनी सुविधा तो होनी चाहिए अन्य जीव जंतु पशु को फर्स्ट एड की सुविधा मिल सके और इतना बड़ा वो घाव ना बन जाए कि उसको ठीक करना मुश्किल हो सके।